बता रहे हैं मुख्य अतिथि भाई राजकुमार आर्य जी, एसएमसी मेंबर्स प्रधानाचार्य जी, अभिभावकगण और हमारे मुख्य अतिथि बच्चे जो हमारे टॉपर्स हैं, साइंस स्ट्रीम में रुद्राक्षी जो हमारी चीफ गेस्ट है, प्रीति ध्वजारोहण के लिए स्वागत करिए, तालियों की गड़गड़ाहट। सभी बच्चे सावधान पोजीशन में खड़े होंगे, पिता ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गान होगा, आप राष्ट्रीय गान की पोजीशन में खड़े होंगे, झंडे को सलूट करेंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा उचा रहे हमारा। भारत की शान तिरंगा, आन तिरंगा, एक झंडे का देश हमारा भारत, बहुत ही गौरवपूर्ण पल हमारे लिए।
हमारे लिए, हम गुलामी के टाइम से थोड़ा सा पीछे चल के अगर देखें, वो भी स्वर्णिम इतिहास नकारा रहा है, एक गोल्डन पीरियड हमारे भारत का, सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। हरिओम पवार जी ने कुछ पंक्तियों में हमारे देश के गौरव को बताया है, ये भारत जगत गुरु था, ये भारत जगत गुरु था, पूरी दुनिया पूज रही थी, भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापिस मोड़ दिया था, सिकंदर का रथ आया था ना भारत पे विजय करने के लिए, और हम गौरवशाली पराक्रमी हम भारतीयों ने सिकंदर के विजयी रथ को वापिस मोड़ दिया था। हमने 16 बार पकड़ के गजनी गौरी जिंदा छोड़ दिया था। इतना करुणापूर्ण हमारा इतिहास, मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी को 16 बार पकड़ करके जिंदा छोड़ दिया था, उनको क्षमा दान दे दिया था। हमने सागर की लहरों पे अपने पत्थर तैराए थे, हमने रावण के घर जाकर अपने बोरस दिखलाए थे, सीता जी के सब के आगे धरती को पट्टे देखा था, राम धनुष के डर के आगे सागर को पट्टे देखा था। हम इतिहास बदलने निकले, हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था और हमारा श्याम कन्हैया नागों के पद पर चढ़ जाता था। लेकिन जाने या अनजाने भूले कर बैठे थे भारी, इसलिए ही हमने आजादी दी हारी। 47 में हम आजादी को ले आए हैं, स्वर्ण जयंती वाले गहने आजादी को पहनाए हैं, और अब हमें अपनी इस आजादी को हमेशा के लिए बना के रखना है। इसी के साथ ही 8 क्लास के बच्चे आ रहे हैं अपना रंगारंग प्रोग्राम लेकर के, ग्रुप डांस प्रिया एंड फ्रेंड्स, झंडा ऊंचा रहे हमारा। Thank you.
कुमार रेणु जी को उद्बोधन के लिए सर प्लीज मंच पे आए तालियां। आज के हमारी मुख्य अतिथि दसवीं और बारहवीं की टॉपर बेटियां पंचायत सरपंच प्रतिनिधि श्री राजकुमार आर्य जी, उनके साथ आए हुए पंचायत मेंबर, एसएमसी के मेंबर, सभी गांव के जितने भी पुरुष और महिलाएं और सभी स्टाफ मेंबर, प्यारे बच्चों, तो सर्वप्रथम तो मैं जो बाहर से आए हैं संगोल प्रांगण में उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो समय निकालकर यहां पर आए और इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मेरी तरफ से, स्टाफ की तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गर्मी का मौसम है लेकिन हमारी खून में जज्बा है आजादी का, तो उस आजादी को याद करने के लिए ये दिन बना गया है ताकि हम ये ना भूलें कि ये आजादी हमें फ्री में नहीं मिली। एक समय था भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, आज से 700 साल पहले, और हमारी जीडीपी जिसको बोलते हैं वो 36% थी, लेकिन हमने 700 सालों की गुलामी सही है और हम आजादी के लिए फड़फड़ाए हैं और आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितना खून बहा है आप सोच भी नहीं सकते। आपको याद दिलाने के लिए कि ये स्वतंत्रता हमने वैसे नहीं मिली है और इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ज्यादा ना बोलते हुए तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस आजादी को बनाए रखना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब हम देश के अंदर, देश के प्रति हमारे खून के अंदर जब एक प्रेम होगा, जब हम अपना काम बढ़िया तरीके से करेंगे, हर काम में आगे मिलेंगे, तभी हम इस देश के प्रति कुछ कर सकते हैं। तो सच्ची अगर देश के प्रति आपका प्रेम है और वैके में स्वतंत्रता दिवस है ये, तो तभी होगा जब हमारे नागरिक, हमारे बच्चे इस देश के प्रति एक स्नेह होगा, एक प्रेम होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका केवल मतलब ये नहीं है कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं, इस खुशी में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम इसलिए भी इकट्ठे हुए हैं कि हमने याद करना है कि हमें स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्रता की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो आपके अंदर देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। हमारा भारत संस्कृति जिसको कल्चर कहते हैं, बहुत कल्चर है, डेफिनेशन देते हैं दूसरे देश और है आज भी हमारे पास, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए बेटे आपका बहुत योगदान जरूरी है। तो युवा पीढ़ी जिस तरफ जा रही है, अगर आप उससे हटकर अपने देश के प्रति प्रेम करोगे तो इन गंदी आदतों से बच सकते हो और तभी ये असली स्वतंत्रता का मीनिंग है। तो मैं ना ज्यादा बोलते हुए पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस स्वतंत्रता दिवस पर आपको पुनः सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जरूरत है वापसी करने की, कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहां पर खो गया, कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं पे है ज्वाला, जाने क्या है होने वाला, सबका लाखों नर नारी
सारे देश को जहरी नागों ने घर को लगा दिया घर के चिरागों में। आज जरूरत है उसी जज्बे की और उसी देशभक्ति की भावना की जो सिर्फ आज के लिए नहीं, जो सिर्फ 26 जनवरी के लिए नहीं, जो सिर्फ 15 अगस्त के लिए नहीं, जिसकी जरूरत है हर दिन जीने की और जीना भी चाहिए हमें। अब कामना क्लास 10 से आ रही है बांध तिरंगा सिर पे अपनी प्रस्तुति।
हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदीप मैडम बहुत अच्छे वक्ता हैं, कितने अच्छी तरह से आपको स्वतंत्रता दिवस की महत्ता को बता रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी बड़े ध्यान से उनको सुन रही हैं, क्योंकि ये चीजें हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि किस प्रकार से हमें आजादी प्राप्त हुई है। भारत के बहुत सारे वीरों ने अपनी जान गंवाई, तब जाके आजादी हमें मिली है। आज भी अगर हम उदाहरण दें तो हमारी सेना है जो सबसे बेहतर काम करती है, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। उन्हीं सैनिकों के लिए एक सॉन्ग मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। Thank you.
आज समाज की स्थिति हमें सरकार ये तो पता था बहुत अच्छे जो सीले वक्फा है, लेकिन ये सिंगर भी है ये आज ही पता चला हमें, ये बहुत जोरदार तालियां। भगत सिंह कदे जी घबरा जा बन मकान और अपनी भारतीय मान्यताओं को उन बच्चों के बीच में
जरूर बताएं जिससे हमारी संस्कृति भारतीय सभ्यता बची रहे। आप सभी कार्यक्रम में आए, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। Yeah.
दिखाया इन बच्चियों ने, इनके हौसले के लिए जोरदार तालियां बजा। Thank you.
छोटी छोटी बच्चियों की माताएं इतनी गर्मी में आई हैं, हम अभिवादन करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, तालियां इनके लिए बेटा, तालियां होने भी चाहिए बेटा। और वो दूसरी वाली तालियां भी बजा दो तो दीपी सर बजवाते ना स्टार क्लास को।
लगाए हो।